एवरीवन वेलकम टू माय चैनल दैट ग्लैमर क्वीन। सो गाइस आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रेमेडी। तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल फील कर रही थी, स्किन पर थोड़े से पिंपल भी नज़र आ रहे थे और गर्मियों के मौसम में मेरी स्किन ना बहुत ज़्यादा डल फील करती है, डार्क भी हो जाती है थोड़ी। तो मुझे लग रहा था कि मैं ऐसी क्या रेमेडी यूज़ करूँ ताकि मेरा फेस जो है वो इंस्टेंट ग्लो कर सके, इंस्टेंट शाइनी बन जाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने किचन में कुछ एक्सप्लोर करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिया एक क्लीन बोल जिसमें मैंने ऐड किया 2 चम्मच राइस फ्लावर यानी चावल का आटा। चावल का आटा स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, अगर आपके पास नहीं है तो बेसन ले लीजिए। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर चावल का आटा ऐड कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच गेहूं का आटा। गेहूं का आटा सबके घर में अवेलेबल होता ही है और ये स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो मैंने सोचा कि किचन में से ये भी ले लिया जाए। इन दोनों चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो क्या होगा कि पेस्ट बनाने में इजीली होगा और बहुत ज़्यादा इजीली हमारा जो है वो पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो मैंने मिक्स कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही। दही अगर नहीं है तो कच्चा दूध भी ले सकते हैं या फिर रोज़ वाटर भी, आपके पास जो भी अवेलेबल है वो यूज़ कर लीजिए। दही क्या होगा कि स्किन से आपके डार्कनेस को दूर करेगी, दाग धब्बे झाइयाँ दूर होंगी और आपकी स्किन डीपली क्लीन होगी, मॉइस्चराइज होगी। और दही तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है गर्मियों के मौसम में, हेल्थ के लिए भी और स्किन के लिए भी। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारी चीज़ें एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए और एक स्मूथ क्रीमी सा पेस्ट तैयार हो जाए। तो देखिए इस तरीके से बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और जैसे जैसे आप इसे मिक्स करेंगे तो बहुत ही स्मूथ क्रीमी सा पेस्ट तैयार हो जाएगा जो आपके फेस पर अच्छे से अप्लाई हो सकेगा और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आप इसे यूज़ करोगे तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अब हमारा DIY पैक एकदम रेडी हो चुका है। अब बात करते हैं कि इसे यूज़ किस तरीके से करना है। यूज़ करने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। यूज़ करने से पहले अपने फेस को वॉश कर लीजिए ताकि दाग धब्बे जो भी डस्ट है रिमूव हो जाए। उसके बाद आपको स्मूथली मसाज करते हुए इसे अपने फेस पर अप्लाई करना है। बहुत ही स्मूथली मसाज करनी है। ये देखिए इस तरीके से ज़ोर ज़ोर से अपने फेस को बिल्कुल नहीं रगड़ना है, स्मूथली मसाज करते हुए अच्छे से अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। और उसके बाद जब ये पैक अच्छे से सूख जाए तब आपको नॉर्मल वाटर से अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है। इसके पहले यूज़ से मैं आपको गारंटी देती हूँ आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ फील करेगी, शाइनी नज़र आएगी। अगर आप इसे रेगुलर यूज़ करोगे तो स्किन की सारी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएगी अगर आप इस तरीके से इस पैक को यूज़ करोगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 चीज़ें आपको इजीली किचन में मिल जाएंगी और किचन में ही आपकी इस खूबसूरती का राज छुपा है। तो आप पार्लर जाकर क्यों महंगे महंगे फेशियल कराकर पैसे वेस्ट करें, घर पर ही अपने पार्लर जैसा फेशियल आप इजीली कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव फेशियल पैक है। अगर आप इसे यूज़ करोगे तो आपको इंस्टेंट ग्लो आएगा, आपकी स्किन पर इंस्टेंट निखार आएगा। अगर आपकी स्किन में दाग धब्बे झाइयाँ हैं और बॉडी में भी डार्कनेस और टैनिंग लग रही है तो आप इसे अपने हैंड्स पर, अपनी नेक पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने हैंड्स पर अप्लाई कर रही हूँ, पूरे हैंड्स पर, अपनी पूरी गर्दन पर भी अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं आप इसे। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं इसे यूज़ करती हूँ। अगर आपको इसके बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो वीक में कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आप इसे डेली भी यूज़ करोगे तो स्किन को कोई हार्म नहीं होगा, तो आप इसे डेली भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब ये पैक अच्छे से सूख गया था तो मैंने फेस वॉश कर लिया और आप देख सकते हैं रिजल्ट्स, मेरा स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोइंग और शाइनी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ भी फील कर रही है। तो आप इस DIY पैक को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, स्किन को कोई हार्म नहीं होगा बल्कि आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर होगी और आपको वाइट एंड ब्राइटन और ग्लोइंग स्किन मिलेगी। तो अगर आपको इस पैक के बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो वीक में 3 से 4 बार ज़रूर ट्राई करें। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपको अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।